अरमान और आलिया भागे जेल से, क्या पुलिस पकड़ लेगी उनको? हेलो गाइस, मैं हूं रूपाली और आप देख रहे हैं टेलीफ्लिक्स। तो जैसा कि उदारिया के एपिसोड में हम देख रहे हैं कि कैसे आलिया और अरमान जेल कूद कर भाग रहे हैं और पुलिस वाले उनको पकड़ लेते हैं, वहीं पर जो आसमा है ना, उसको चिंता होने लगती है अरमान और आलिया की, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि वो अब पुलिस स्टेशन में है। तो अभी ये भी देखना होगा कि वो कैसे बचाएगी, क्योंकि आसमा कहीं ना उसको अरमान से प्यार होने लगा है और उसको बहुत चिंता हो रही है कि वो जेल में है और आलिया भी वहां पर है कनाडा में, और एक्चुअली ना आसमा को ये लग रहा है कि शायद मेरी वजह से वो दोनों कनाडा की जेल में फंस गए हैं। एपिसोड में हम देख रहे हैं कि भाई कैसे जो आसमा है उसको पता लग जाता है कि एकम उसका असली बाप है और वो एकम और हरलीन की बेटी है। तो भाई ये सुन के ना थोड़ा सा उसको शॉकिंग लगता है, पर उसको ना अरमान और आलिया की ज्यादा चिंता है और उसको ये पता लग जाता है कि आलिया उसकी बहन है, तो उसको और ज्यादा चिंता होने लगती है। उसको वो प्लानिंग करने लगती है मैं कैसे बचाऊं, और फिर वो जाती है कबीर के पास। भाई हमें तो पता है ना कि कबीर आसमा से कितना प्यार करता है और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि अरमान के पास वो दोबारा जाए, और वहां पर जो आसमा है वो उसकी हेल्प लेती है, उसको बताती है कि भाई मैं उन दोनों को बचाना चाहती हूँ। जैसे सुनकर ना कबीर को बहुत गुस्सा आता है। कबीर कहता है कि तुम पागल तो नहीं होगी, जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की उन्हीं की तुम हेल्प करने जा रही हो, और जबकि आसमा ये भी बताती है कि वो मेरी असली बहन है आलिया। तो फिर और उसे गुस्सा आता है, बोलता है कि बहन हो चाहे कुछ भी हो, तो तुम अब उनके पास वापस नहीं जाओगी और कनाडा बिल्कुल नहीं जाओगी और उनको तो बिल्कुल नहीं बचाओगी। तो वहां पर आसमा को गुस्सा आता है उसके ऊपर, बोलती है कि नहीं नहीं तुम्हें किसी भी तरह मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो वहां पर जो तो कबीर को लगता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और कबीर की एक प्लानिंग चल रही होती है दिमाग में। कबीर उसको एक ड्रिंक पिला देता है बेहोशी की, और क्योंकि हमने देखा था ना पिछली बार वो किडनैप नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार वो आसमा को अपने घर में ले जाता है और किडनैप कर लेता है। और फिर जब आसमा को होश आता है तो वो देखती है चारों तरफ कमरे में ना उसके फोटोज लगे हुए हैं, और मतलब वो शॉक हो जाती है एकदम कि मैं कहाँ हूँ, मैं तो अरमान और आलिया को बचाने के लिए कनाडा जा रही थी और मैं ये कहाँ पर हूँ और किसके पास हूँ और ये फोटोज मेरे इस कमरे में कैसे हैं। तो उसके बाद कबीर का सच आता है। अब क्या रिएक्शन होगा भाई आसमा का, ये तो देखने लायक होगा। वैसे आप में बताइए आपको क्या लग रहा है कि अब आसमा क्या स्टेप उठाएगी, क्योंकि कबीर और आसमा की बहुत अच्छी दोस्ती थी और वो उसको दोस्त ही समझती थी, लेकिन कबीर तो कुछ और ही समझता था आसमा को। तो एक तो ये ट्विस्ट है, दूसरा ट्विस्ट ये है कि भाई जो आलिया और अरमान है वो जेल से भागने की कोशिश करते हैं, वो दीवार फांकते हैं जेल की, लेकिन पुलिस उनको पकड़ लेती है। तो क्या वो कनाडा से वापस आ पाएंगे, और क्या जो अरमान है वो आसमा को ढूंढ पाएगा? अगर वो इंडिया वापस भी आ जाता तो उसको आसमा का तो पता नहीं है कि कबीर ने उसको पकड़ लिया है, उसे किडनैप कर लिया है, बल्कि घर वालों को तो ये लग रहा है कि आसमा ना उल्टा कनाडा गई है अरमान और आलिया के पास। तो अभी ये सब खुलासे होंगे जब अरमान और आलिया आएंगे और देखेंगे कि आसमा नहीं है, और घर वालों को पता लगेगा कि आसमा तो उनको ढूंढने गई थी। तो हो सकता है कि कबीर का सच आए, हो सकता है कि जो अरमान है वो आसमा को ढूंढ ले।